Hey, hello everyone, welcome and welcome back to my channel. So now I'm continuing part 3, A Day with Megha. तो गाइस किनारी मार्केट आ गई हूँ, जैसा कि आप जानते हैं चांदनी चौक से हमने सामान ले लिया था और मैं किनारी बाजार आ गई हूँ। तो गाइस यहाँ से हमारी किनारी बाजार लेन स्टार्ट हो जाती है और इस लेन में सबसे स्टार्टिंग में ये शॉप जो मुझे दिखी थी, यहाँ पर थी काफ़ी ब्यूटीफुल से बीड्स और काफ़ी ज़्यादा कलरफुल थे, डिफरेंट साइज के थे, डिफरेंट कलर के थे और काफ़ी अच्छे बटन्स थे। और गाइस ये फ्लावर्स इन पर तो दिल आ गया, मेरे को भी इतना पसंद आया और मैंने ले लिया ये एक पैकेट। सो अकॉर्डिंग टू प्राइस जस्ट 50 रुपीज़, उसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी क्वांटिटी और क्वालिटी हमें मिल रही थी, तो गाइस वर्थ इट था। अब मुझे इतना अच्छा लगा तो मैंने 3 पैकेट यहाँ से ले लिए हैं, बट बाद में आगे जाके पता चला कि और भी अच्छी क्वांटिटी में हमें उसी सेम प्राइस में काफ़ी अच्छी डील मिल रही। तो चलो गाइस कोई बात नहीं, आगे नेक्स्ट फॉरवर्ड करते हैं। तो गाइस यहाँ पे कुछ शॉप्स थी और यहाँ लेस वगैरह मिल रही थी स्टोन वाली, और इसके साइड में जो थी ये जो फ्लावर्स वाली है ये वाली शॉप थी, यहाँ पर काफ़ी अच्छे फ्लावर डेकोरेशन के लिए मिल रहे थे। तो गाइस इस टाइप के फ्लावर्स हमारे ज्वेलरी मेकिंग में, फ्लावर ज्वेलरी जो होती है फ्लोरल ज्वेलरी उसमें यूज़ होता है, प्लस डेकोरेशन में ये यूज़ हो जाता है काफ़ी अच्छे से। ये शॉप काफ़ी अच्छी लगी गाइस, इसलिए मैं इसमें एंटर हो गई और मुझे इसमें जो स्टोन चेन थी वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार इसका प्राइस ले लूँ। तो गाइस मैंने 1 मीटर का प्राइस इनसे लिया था, इन्होंने मुझे 1 मीटर प्राइस 120 रुपीज़ का बताया, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लगी इस वजह से मैंने नहीं लिया यहाँ से। और शॉप पे तो काफ़ी अच्छी मटेरियल था, ये आप देख सकते हो, ये थी हमारी राइमस्टोन चेन और गाइस काफ़ी अच्छा मटेरियल है इनकी शॉप में, बट एक्सपेंसिव मुझे लगा तो इस वजह से मैंने यहाँ से कुछ नहीं लिया और मैं आगे की तरफ मूव हो गई। तो गाइस चलो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमारा कुछ थे डेकोरेशन के सामान। तो गाइस यहाँ आगे चल के थी एक लेस की शॉप और यहाँ पे गोल्डन कलर की लेसेस मिल रही थी, और गाइस ये वाली शॉप देखो ये लेस की है और इस पर तो इतनी अच्छी अच्छी लेसेस थी, बहुत ही अच्छी मिरर वर्क वाली भी थी। और यहाँ पे कुछ बो वगैरह हैं डेकोरेशन के लिए, और गाइस यहाँ पे पर्ल वाली लड़ियाँ भी हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं। सो ये जो पर्ल वाली दिख रही हैं आपको लड़ियाँ, इसको आप हेयर क्लिप में, मोस्टली तो इसमें हेयर एक्सेसरीज़ के लिए यही शॉप। और गाइस ये देखो यहाँ पे फ्लोरल ज्वेलरी बना सकते हो आप, पोलन्स वगैरह आर्टिफिशियल फ्लावर्स मिल रहे थे। और यहाँ पे गाइस ये देखो लटकन थी कुछ, काफ़ी सुंदर लग रही थी। और ये डेकोरेशन का सामान है जैसे हल्दी वगैरह, हल्दी सेरेमनी होती है, संगीत सेरेमनी होती है, उसके लिए जो हम सेटअप पूरा रेडी करते हैं तो यहाँ पर तो बहुत ही अच्छा होलसेल मटेरियल मिल जाता है। तो गाइस मार्केट में तो आके पूरी फेस्टिवल वाली वाइब आ गई थी, जैसे कि यहाँ पे कोई फंक्शन चल रहे हैं देख के पूरा सेटअप इसी तरीके से लगा हुआ था। और यहाँ इस शॉप पे मिल रहे थे पोस्टर्स वगैरह भगवान जी के और डेकोरेशन के लिए भी, और रंगोली वगैरह। तो गाइस यहाँ आगे चल के कुछ शॉप्स हैं, लेसिस वगैरह रिबन्स वगैरह मिल रहे थे इन शॉप में भी। इस शॉप में मिल रहे थे आर्टिफिशियल फ्लावर्स काफ़ी अच्छे डेकोरेशन के लिए। और गाइस यहाँ देखो ये शॉप तो बहुत ही अच्छी है लेसिस की, यहाँ पर मिल रही है गोल्डन कलर की काफ़ी अच्छी लेसिस, और गाइस ये मिलती है काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में। यहाँ ये जो शॉप है गाइस किनारी मार्केट में, यहाँ सभी शॉप्स में आप अगर कम क्वांटिटी में मांगोगे कोई भी लेस या कोई भी मटेरियल तो आपको अच्छे प्राइसेस में नहीं मिलेगा। अगर आप अच्छी क्वांटिटी में लेने के लिए आए हैं तो डेफिनेटली प्राइजेस बहुत सही मिल जाते हैं, बिकॉज जैसे ही हमने लेसेस के लिए पूछा था ना तो 1-2 मीटर की तो बात ही नहीं करते, डायरेक्टली स्टार्टिंग ही 10 मीटर से होती है। तो गाइस यहाँ ये कुछ मिल रहे थे मिरर की काफ़ी अच्छी शॉप थी गाइस, और ये इधर थे फ्लावर्स वगैरह डेकोरेशन का पूरा आइटम था। ये शॉप पर मैंने पूछ ही लिया था इन अंकल से कि मिरर किस अकॉर्डिंग दे रहे हैं, तो इन्होंने मुझे बताया सारे पैकेट ये 1-1 केजी के हैं और सभी डिफरेंट साइजेस और शेप्स के हैं। तो गाइस हर शेप का और हर साइज़ का जो मिरर है उन सब का प्राइजेस अलग है, और ये जो मैं देख रही हूँ ये जो पैकेट है ये 1 केजी का है और इसका प्राइस इन्होंने मुझे 300 रुपीज़ बताया था, और 1 केजी का ये पैकेट था। तो गाइस अच्छा था, अगर किसी को ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो 300 का 1 केजी का मिरर का पैकेट बहुत ही अच्छा है, काफ़ी वर्थ इट था। और गाइस ये वाली शॉप तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, यहाँ पे काफ़ी अच्छे डेकोरेशन के लिए मिल रहे थे। यहाँ पर गाइस ये वाली शॉप जो देख रहे हो आप, यहाँ पर डेकोरेशन के लिए टोकरी वगैरह, पोटली वगैरह, रेटिव मटकी सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल था, क्लचिस वगैरह भी काफ़ी अच्छे थे। और ये जो शॉप है यहाँ पर मिल रहा था ज्वेलरी मेकिंग मटेरियल और लेस, यार बहुत ही अच्छी थी मिरर वर्क वाली,
ये जो शॉप देख रहे हो आप, यहाँ मिल रहे थे पर्ल्स, बीड्स वगैरह, मोतियाँ। और गाइज ये जो जैसे ही आगे जाते हैं यहाँ पे लटकन्स वगैरह मिल रही थी हमें, जो लहंगे वगैरह में लगाते हैं, ब्लाउजेस में, सूट में। और यहाँ ये जो हैं काफ़ी डिफरेंट कलरफुल बीड्स, छोटे छोटे मोतियाँ जो होते हैं वो हमें मिल रहे थे। और ये जो शॉप है यहाँ ज्वेलरी मेकिंग मटेरियल, और ये जो शादी वाला घर, हल्दी मेहंदी, ये जो डेकोरेशन का होता है गाइज, ये तो मोस्टली सभी शॉप्स में यहाँ अवेलेबल था। तो अगर किसी के घर में फंक्शन हो ना तो बहुत ही अच्छी शॉप है, यहाँ से काफ़ी अच्छी शॉपिंग हो जाएगी। और गाइज ये देखो हम लोग घूम रहे हैं मार्केट में, तो हमने कैप्चर कर लिया है खुद को भी। और ये जो इस शॉप में मिल रही है लेस गाइज, ये जो ट्रेंडी ब्लाउजेस चल रहे हैं ना उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही है, बाउंड्री में लगाते हैं ना तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट सा आता है इसका। यहाँ पे ये जो कुंदन वगैरह ज्वेलरी जो होती है इजीली मिल जाती है, और कुछ लोग तो खुद ही इसको सेल्फ डिज़ाइन करके सेल करते हैं। तो गाइज ये वर्कर्स थे यहाँ इस शॉप के बाहर, और गाइज ये पैकिंग के लिए है, कोई भी किसी भी टाइप की पैकिंग करनी हो तो उसके लिए प्लास्टिक फैब्रिक, और गाइज टोकरी फ्लावर्स वाली, फल वाली सब मिल जाएगा यहाँ पर। ये था लटकन, लटकन काफ़ी अच्छी प्राइजेस में मिल जाती है। और गाइज ये लेस, लेस की शॉप है, यहाँ पे फिर से डेकोरेशन की आ गई है शॉप। और गाइज यहाँ पे मिल रहे थे छोटे छोटे साइज़ के पर्ल्स। और ये जो शॉप है गाइज, ये काफ़ी अच्छी शॉप थी, इसमें अब हम एंटर कर रहे हैं। इस शॉप से गाइज मैंने काफ़ी ज़्यादा सामान लिया था, यहाँ पे ए टू जेड सब कुछ अवेलेबल था, बीड्स ज्वेलरी मेकिंग का ए टू जेड सामान। ये गाइज बीड्स देख सकते हो, काफ़ी अच्छे बीड्स थे। और ये शॉप का पूरा ओवरव्यू कर देती हूँ मैं। इस शॉप से मैंने काफ़ी ज़्यादा सामान लिया था ज्वेलरी मेकिंग का, मैंने जो भी सामान लिया था मोस्टली इसी शॉप से लिया था। और गाइज यहाँ इसी शॉप के बाहर ये जो थी डेकोरेशन की, दुल्हनिया वगैरह काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ था ग्लिटर शीट पर। गाइज ये रहा इनका कार्ड, जो भी सामान मैंने यहाँ से लिया है उस सबका मैं एक सेपरेट हॉल बनाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी। गाइज ये मैंने यहाँ से सब कुछ लिया था, और चलो आगे चलते हैं। तो गाइज यहाँ मिल रहे थे शॉप के बाहर, एक शॉप थी कुंदन ज्वेलरी मिल रही थी, एक का ये जो स्टार्टिंग में दिखाया था प्राइस उसका बताया था भैया ने 1500, और ये जो था लास्ट में दिखाया था उसका 1100 बताया। और गाइज आगे चल के ये एक और शॉप थी, यहाँ पर काफ़ी अच्छा मटेरियल मिल रहा था जस्ट 50 रुपीज़ का। और गाइज इसकी क्वान्टिटी देखो, स्टार्टिंग में जो मैंने देखी थी उसमें तो काफ़ी कम क्वान्टिटी में 50 रुपीज़ में मिल रहा था, और गाइज यहाँ पर सब कुछ 50 में और इतनी अच्छी क्वान्टिटी में। तो यही वो शॉप थी जिसकी स्टार्टिंग में मैं बात कर रही थी, काफ़ी अच्छी शॉप थी। तो यहाँ पर हमें मिल रहे थे डिफरेंट साइज़ के सारे मिरर जस्ट 50 रुपीज़ में। तो गाइज मैंने यहाँ से काफ़ी चीज़ें ली, तो गाइस बाहर आ गए थे चांदनी चौक वाली लेन में, यहाँ पे जूतियाँ थी, जूतियाँ का प्राइस पूछा था तो 300 बताया था, काफ़ी एक्सपेंसिव थी गाइस। सरोजनी में तो काफ़ी अच्छे प्राइजेस में मिल जाती है, सगुन वगैरह के लिफाफे जो होते हैं वो मिल रहे थे। ये जो मैंने स्टार्टिंग में पैकेट जो उठाया है गिफ्ट करने के लिए, इसका प्राइस बताया था 150 रुपीज़, और ये जो था इन सब का प्राइजेस था सगुन के लिफाफों का पैकेट का 50 रुपीज़, और 100 वाले भी थे, 150 वाले। और आगे ये जो शॉप थी यहाँ पे मिल रही थी डोरमेट्स वगैरह, ग्रास मैट, बट काफ़ी एक्सपेंसिव था। तो गाइस थक गए थे मार्केट में चलते चलते। यहाँ पर है एक गुरुद्वारा, काफ़ी अच्छा गुरुद्वारा है चांदनी चौक में, यहाँ पे हमने थोड़ा रेस्ट किया था गाइस, बैठ गए थे थोड़ी देर, काफ़ी अच्छा लगा, सुकून मिला। उसके बाद रेस्ट करने के बाद हम लोग फिर घर की तरफ निकल गए थे। तो गाइस ये था बाहर का व्यू गुरुद्वारे का, और चांदनी चौक में इस टाइम काफ़ी अच्छा व्यू हो गया था, सनलाइट बहुत ही अच्छी लग रही थी, हमको शाम ही हो गई थी। एंड देन सोनम को ड्रॉप किया, सोनम को जाना था मेट्रो से तो सोनम मेट्रो से गई थी, अब हम लोग जा रहे हैं बस से, तो बस के लिए थोड़ा सा वॉकिंग था। तो ये देखो हमने कुछ कैप्चर कर लिए हैं व्यू, और काफ़ी अच्छी सनलाइट आ रही थी, और बहुत ही अच्छा लग रहा था ये चांदनी चौक का पूरा व्यू। तो गाइस ये लोग चांदनी चौक के साथ साथ लाल किला भी आ रहे हैं। गाइस यहाँ फालतू की बकवास करते करते जा रहे हैं हम बस स्टैंड तक, और इसी के साथ हमें मिल रहा था रेड फोर्ट का बहुत ही अच्छा सा व्यू। तो गाइस देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छी सुंदर सी कैंडीज, और ये हम बस स्टैंड पर पहुँचने वाले हैं, जो मुझे डायरेक्ट करिए अभी और आगे है क्योंकि मैं सेकंड टाइम आई थी बाय बस, तो मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ यहाँ से बस से। देखो हमें दिख रहा है ये रेड फोर्ट, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। बैटरी लो गाइस, बहुत मजा आया है ना।
तो गाइस ट्रैवलिंग कर करके हो गई थी बैटरी लो, तो अब हम अपनी बैटरी को थोड़ा चार्ज कर रहे हैं जूस के साथ। मैंने लिया है ये वेजीज वाला जूस और अंजू ने शुगर कैन। तो गाइस भैया भी काफ़ी खुश हो रहे थे, हम उनकी वीडियो बना रहे थे और उन्होंने काफ़ी हेल्दी चीज़ इसमें डाली है जूस में। इसमें स्पिनच, कैरेट, बीटरूट और आंवले का भी यूज़ किया था और देखो कितना मस्त लग रहा है, टेम्पटिंग सा लग रहा है। और ये अंजू का जूस भी यहाँ हो चुका है रेडी। तो इसी के साथ अब घर के लिए भी करा लिया है पैक जूस और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो गाइस होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो और गाइस इसका मैं हॉल भी जल्दी अपलोड करूंगी। बातों ही बातों में हमारा जूस भी हो चुका है पैक और भैया की प्यारी सी स्माइल थैंक्स बोला और निकल चुके घर की तरफ। तो गाइस फाइनली घर में आ गए और शक्ल देखो कितनी बुरी हो गई, इतनी अच्छी बना के लेके गए। पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करो। सी यू।